टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 12 ऑफ क्लास 8 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पावर के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट और पावर क्या होते हैं। एक्चुअली एक्सपोनेंट और पावर एक ही नाम है। जैसे हमारे पास है 10^24, तो जो ये 10 है इसको हम बेस बोलते हैं और जो हमारा 24 है ये हमारा है एक्सपोनेंट या पावर। एक्सपोनेंट या पावर अगर हमारे पास 10^-2 है तो जो हमारी एक्सपोनेंट है वो हमारा नेगेटिव इंटीजर है। तो -2 हमारा क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। तो पावर्स, इस चैप्टर में हम पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। 10^-2 इट मींस a-m, तो हमारा रूल होता है 1/a^m, मतलब जो बेस होता है हमारा, बेस हमारा यहाँ पे क्या है 10, बेस हमारा क्या है 10, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम बेस का रेसिप्रोकल करते हैं। बेस 10 है तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10, तो हमारी पावर क्या है यहाँ पे 2, तो नेगेटिव थी तो हमारी पावर क्या होगी यहाँ पर पॉजिटिव। तो इस चैप्टर में हम इसी तरह से सम हमें सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 12.1, फर्स्ट सम है 3-2, इसमें हमारा बेस है 3, एक्सपोनेंट है -2, तो हमने पावर को पॉजिटिव करेंगे तो हम जो बेस है, जो हमारा बेस है उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो 3 का रेसिप्रोकल हमारा होगा 1/3 2, और इसको हम 2 मीन्स इसको 2 टाइम्स, और ये हमारा आंसर आएगा 1/9। सेकेंड सम है हमारा -4/5 डिवाइडिंग बाय -4/8। देखो अब हमारा सेकेंड सम में दिया हुआ है कि -4/5 डिवाइडिंग बाय -4/8। अगर हम यहाँ पर बेस देखें तो हमारा बेस है -4, दोनों में बेस जो है वो हमारा सेम, ठीक है, हमारा बेस क्या है यहाँ पे -4 और दोनों में हमारा बेस क्या है सेम है। इसमें हम एक रूल करते हैं कि जो a की m को अगर हम a की n से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा रूल होता है a m माइनस n। देखो अगर a की m को डिवाइड करते हैं a की m से, तो हमारा जो डिवाइड है वो पावर में हमारा माइनस हो जाएगा, मतलब m माइनस n। तो इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे, हमारा बेस क्या है -4, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी हमारी माइनस हो जाएंगी क्योंकि डिवाइड है। तो हमारा -4, 5-8 कितना हुआ हमारा -3। अब हम पावर को पॉजिटिव करेंगे तो हम बेस का क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल हमारा 1/-4/3, और इसको हम 3 टाइम्स इसको हम लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आया 1/-64। ये हमारा डिवाइड वाला था। ऐसे ही हम देखो मल्टीप्लाई वाला लेंगे, 3^-7 डिवाइडिंग बाय 3^-10 मल्टीप्लाई 3^-5। देखो इसमें डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो इसमें आपके दोनों रूल। सबसे पहले हम डिवाइड वाले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, 3
माइनस सेवन डिवाइड के नाम का माइनस माइनस टेन, तो बेस हमारा थ्री है इसलिए हमने बेस क्या लिया थ्री, पावर हमारी माइनस एन, सेवन डिवाइड के डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा माइनस टेन मल्टीप्लाई, ये अभी हम एज इट इज लेते हैं। हमने रूल यहाँ पे अगर आपने रूल लिखना है तो ए एम डिवाइड ए एन इक्वल में ए एम माइनस एन, ये आप शो कर सकते हो कि ए एम डिवाइडिंग बाय ए एन इक्वल में ए एम माइनस एन, तो ये हमारा आया थ्री माइनस सेवन प्लस टेन। देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई थ्री की माइनस फाइव, तो थ्री टेन में से सेवन गया थ्री, थ्री की माइनस फाइव, तो थ्री माइनस फाइव तो हमारा आया थ्री माइनस टेन। तो यहाँ पे हमने रूल लगाया ए की एम मल्टीप्लाई ए की एन, तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, भाई अगर बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, बेस सेम पावर प्लस, ठीक है, बेस सेम मल्टीप्लाई में क्या होगा कि बेस सेम तो पावर प्लस, तो यहाँ पे प्लस एक्चुअली हमारा ऐसे, ठीक है, तो हमारा थ्री माइनस टू, तो फिर माइनस को हमने पॉजिटिव में किया तो ये हमारा वन अपॉन थ्री रेसिप्रोकल हो गया और टू, और ये वन अपॉन नाइन। देखो नेक्स्ट एक पार्ट और है आपका, सी पार्ट है माइनस थ्री की फोर मल्टीप्लाई फाइव की फोर थ्री की फाइव अपॉन थ्री की फोर, ये हमारी स्टेटमेंट है। हम क्या करते हैं इसमें दो रूल लग सकते हैं, देखो दो, एक रूल तो ये है कि जो माइनस थ्री है के ऊपर माइनस थ्री की पावर भी फोर है और फाइव अपॉन थ्री की पावर भी फोर है, अगर हम देखें कि ए की एम मल्टीप्लाई बी की एम, तो हमारा रूल होता है ए बी की एम, मतलब पावर कॉमन आ जाती है एक तरह से, मतलब ए और बी की मल्टीप्लाई हो जाती है अगर पावर सेम हो तो। तो हम इसमें भी यही करते हैं माइनस थ्री फाइव अपॉन थ्री, तो ये पावर होगी हमारी, मतलब ये ए है ये बी है, ए की एम मल्टीप्लाई बी की एम, तो हमारा हो गया ए बी की एम, मतलब पावर सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जनरल सा रूल है। अब हम इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते, हम इसको माइनस थ्री को पहले ऐसे खोलेंगे, फैक्टर बनाएंगे फाइव अपॉन थ्री फोर, तो ये आपका थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, तो माइनस फाइव की फोर, अब माइनस फाइव की फोर को फोर टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस फाइव को, तो हमारा सिक्स टू फाइव, सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हमारा आंसर आता है। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे सम है इसमें ये वाला। नेक्स्ट हमारा एक हमारा सम है, एक हमारा सम इसके अंदर है कि थ्री की जीरो प्लस फोर की माइनस वन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई टू की टू। देखो किसी की भी पावर में जीरो, चाहे वो आपका वन थाउजेंड ही क्यों ना हो, अगर इसकी पावर में जीरो है तो ये वन के इक्वल होता है, टोटली ही वन हो जाता है, चाहे किसी के भी पावर में जीरो, तो थ्री के पावर में जीरो है तो ये आपका वन हो गया, प्लस फोर माइनस वन है तो वन अपॉन फोर ब्रैकेट क्लोज टू की टू, टू की टू का मतलब फोर, तो इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइव अपॉन फोर, फोर फोर से फोर कैंसिल और आपका आंसर आया फाइव, तो आपका आंसर क्या आया यहाँ पर फाइव, ठीक है, तो ये आपका सम हो गया। देखो एक सम है हमारे पास थ्री की माइनस वन फोर की माइनस वन प्लस फाइव की माइनस वन ब्रैकेट क्लोज पावर में जीरो, तो थ्री माइनस वन सबसे पहले हम पावर को पॉजिटिव में करते हैं, वन अपॉन थ्री फोर माइनस वन, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फाइव ब्रैकेट क्लोज पावर में जीरो। वैसे अगर वन मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है तो आप देखो ब्रैकेट के ऊपर जो है हमारी जीरो है, तो आप इसका सीधा आंसर लिख सकते हैं वन,
ठीक है, लेकिन आप इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। तो हमारा एलसीएम आया 60, 3 से इसको डिवाइड करा 60 को, तो 20, 15 एंड 12 पावर 0, तो 47 अपॉन 60 की पावर 0, तो ये हमारा आया 1। तो आपने ऐसे ही सभी सम करने हैं एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट सेकंड थर्ड।